दोस्तों अगर आप भी हर्षल पटेल को एक शानदार खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बेंगलुरु की टीम के चेन्नई के खिलाफ खतरनाक गेंदबाजी और बल्लेबाजी को देख पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़ा उथल पुथल देखने को मिला है, जिसमें चेन्नई और पंजाब की टीम को तगड़ा झटका लगा है और बेंगलुरु की खतरनाक जीत को देखकर सभी टीमें हैरान हो गई हैं। और वहीं हैदराबाद और राजस्थान को हुआ भारी नुकसान और साथ ही साथ दिल्ली और कोलकाता की स्थिति हुई और भी ज्यादा खराब। तो चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में शानदार मुकाबला देखने को मिला, जिसमें बेंगलुरु ने जीत दर्ज करी और दो महत्वपूर्ण अंक प्राप्त किए। चलिए दोस्तों हम आपको 49वें मुकाबले को हो जाने के बाद अंक तालिका के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों पॉइंट्स टेबल के बारे में बताने से पहले चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में खेले गए दिमाग हिला देने वाले खतरनाक और रोमांचक मुकाबले के हाइलाइट्स के बारे में बता दें। दरअसल सबसे पहले चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बेंगलुरु के बल्लेबाजों को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए, जिसमें बेंगलुरु की तरफ से महिपाल लोमरर ने 42 रन बनाए और कप्तान प्लेसिस के 38 रन, विराट कोहली के 33 रन की बदौलत बचे हुए खिलाड़ियों की छोटी मोटी पारियों की बदौलत बेंगलुरु की टीम 20 ओवर में 173 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना पाई, जिसमें चेन्नई की तरफ से आपको बता दें कि 3 विकेट मोइन अली ने, 2 प्रेशियस और 1-1 विकेट हासिल किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए 174 रन का लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की टीम के बल्लेबाज मैदान पर आए, तो चेन्नई की टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे दोनों ही शानदार शुरुआत दिला दी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ 28 रन और कॉनवे 56 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद मोइन अली भी 34 रन बनाकर आउट हो गए और अंत में हर्षल पटेल और जोश हेजलवुड की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले को जीत गई। और महेंद्र सिंह धोनी का जादू भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया और चेन्नई की टीम इस मुकाबले को 13 रन से हार गई, जिसमें बेंगलुरु की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हर्षल पटेल ने 3, ग्लेन मैक्सवेल ने 2, वरिंदु हसरंगा, जोश हेजलवुड, शहबाज अहमद ने 1-1 विकेट हासिल किया और मुकाबले को बेंगलुरु के नाम करा दिया। तो पॉइंट्स टेबल के बारे में आपको बताएं, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नीचे से, यानी 10वें पायदान पर आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस है, जिसने इस आईपीएल में बहुत ही बेकार प्रदर्शन करते हुए अपने समर्थकों को निराश किया और अपने ब्रांड वैल्यू को भी नुकसान पहुंचाया। और दोस्तों मुंबई की टीम ने अभी तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से मात्र 1 मुकाबले में जीत दर्ज करी है और बचे हुए 8 मुकाबलों में हार का सामना किया और इनका नेट रन रेट बहुत ही ज्यादा बेकार है और इनके 2 अंक हैं, जिसके साथ ही नेट रन रेट -0.836 है और मुंबई की टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। और वहीं अब आगे दूसरी टीमों का खेल लगाने के लिए और युवा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए खेल रही है। और वहीं आगे बढ़ते हुए आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे सफल टीम चेन्नई की टीम मौजूद है, जो कि 9वें पायदान पर है, जिसने अभी तक आईपीएल मुकाबले में अपने कद के अनुसार बहुत ही बेकार प्रदर्शन किया है और समर्थकों को काफी निराश किया है, जिसमें से चेन्नई की टीम ने 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से मात्र 3 मुकाबलों में जीत दर्ज करी है और वहीं 7 मुकाबलों में हार का सामना किया है और इनका नेट रन रेट अभी भी खराब स्थिति में है और बेंगलुरु के खिलाफ हार के बाद और भी ज्यादा बिगड़ गया है, जिसमें इनका नेट रन रेट 6 अंकों के साथ -0.431 है और चेन्नई की टीम की अब उम्मीदें प्लेऑफ में जाने की लगभग खत्म हो चुकी हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए कोलकाता की टीम की तरफ चलते हैं, जिसने मुकाबले में 10 मुकाबले खेले हैं, जिसने 4 में जीत दर्ज करते हुए 6 मुकाबलों में हार का सामना किया है। लंबे अंतराल के बाद कोलकाता की टीम का जीत का सिलसिला चालू हुआ, 8 अंकों के साथ 8वें पायदान पर बेकार रन रेट -0.60 के साथ मौजूद है। और वहीं आगे बढ़ते हुए 7वें पायदान पर दिल्ली की टीम है, जिसने अभी तक 9 मुकाबले खेले हैं और 9 में से 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, तो वहीं आपको बता दें कि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और अब 8 अंकों के साथ ठीक ठाक रन रेट के कारण 7वें पायदान पर मौजूद है और इनका नेट रन रेट +0.587। तो वहीं आगे बढ़ते हुए पंजाब की टीम मौजूद है, जिसने अभी तक अपने 10 मुकाबले खेले हैं और 10 मुकाबलों में से 5 मुकाबलों में जीत तो वहीं 5 मुकाबलों में हार का सामना किया है और 10 अंकों के साथ 6वें पायदान पर मौजूद है और इनका नेट रन रेट कुछ मुकाबलों में बड़े अंतर से हारने के कारण बेकार हुआ है। तो वहीं गुजरात को हरा कर बेहतर भी हुआ है और जिसमें इनका नेट रन रेट -0.229 है। तो वहीं 5वें पायदान पर हैदराबाद की टीम मौजूद है, जिसकी शुरुआत तो बहुत ही
ज्यादा बेकार हुई है। लेकिन लगातार जीत दर्ज करते हुए 9 मुकाबलों में 5 मुकाबलों में जीत तो वहीं 4 मुकाबलों में हार का सामना करते हुए 10 अंकों के साथ अब बड़े अंतर से जीत दर्ज करके हुए आपको बता दें कि बेहतर नेट रन रेट के कारण +0.470। तो वहीं टॉप 4 में बेंगलुरु की टीम प्रवेश कर चुकी है और चौथे पायदान पर बेंगलुरु की टीम पहुंच गई है जिसमें बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लेकिन अब टीम का प्रदर्शन बेकार दिखाई दे रहा है और टीम दोबारा से बेहतरीन प्रदर्शन करने लग गई है जिसमें चेन्नई को बुरी तरीके से हराते हुए मुकाबला जीता और अभी तक खेले गए 11 मुकाबलों में से 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की और 5 मुकाबलों में हार का सामना करते हुए 1 मुकाबले में बहुत ही बड़ी हार के कारण नेट रन रेट -0.444 है और अभी भी नेट रन रेट की परेशानी इनको बनी हुई है। और आगे बढ़ते हुए इस साल बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राजस्थान की टीम मौजूद है जिसने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 10 मुकाबलों में से 6 मुकाबलों में बेहतरीन तरीके से जीत दर्ज करते हुए 4 मुकाबलों में हार का सामना करते हुए साथ ही साथ बेहतरीन तरीके से तीसरे पायदान पर मौजूद है और राजस्थान की टीम का नेट रन रेट +0.340 है। तो वहीं दूसरे पायदान पर लखनऊ की टीम मौजूद है जिसने पहली बार आईपीएल में प्रवेश किया है और अपने खतरनाक प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया है और लखनऊ की टीम के खतरनाक प्रदर्शन के जरिए 10 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 7 मुकाबलों में जीत दर्ज करी है तो वहीं 3 मुकाबलों में हार का सामना किया है। लेकिन इनका नेट रन रेट बहुत ही शानदार है जिसमें लखनऊ का नेट रन रेट +0.397 है और 14 अंकों के साथ में लखनऊ की टीम मौजूद है और वहीं पहले पायदान पर गुजरात की टीम है जिसने सभी को अपने पहले बार आईपीएल में प्रवेश करने को लेकर चौंका दिया है जिसमें उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए अभी तक 10 मुकाबले खेले हैं जिसमें से मात्र 2 मुकाबलों में हार का सामना किया और 8 मुकाबलों में जीत दर्ज करी है और 16 अंकों के साथ प्ले ऑफ की प्रबल दावेदार मानी गई है। और लगातार जीत के बाद इनका नेट रन रेट बहुत ही ज्यादा शानदार है और अभी भी गुजरात का नेट रन रेट +0.15 के साथ बेहतर है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बेंगलुरु की टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।